मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में नेताओं के पोस्टर अब फाड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब हर कोई अपने आप को कार्य सम्राट बताने की कोशिश कर रहा है और अपने अपने बैनर भी लगा रहे हैं। इसी चक्कर में अब बैनर भी फाड़े जा रहे हैं। मुंब्रा के गांव देवी इलाके में पानी की टंकी का उद्घाटन कुछ दिन पहले ही गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने किया था, मगर इसके बाद यहाँ पर बैनर लगाने की नगर सेवकों द्वारा होड़ मच गई। हर नगर सेवक यहाँ पर अपने अपने बैनर मार्गदर्शन के लगाना शुरू कर दिए। इसी तरह से मोरेश्वर किने और राजन किने नगर सेवक की तरफ से भी एक बैनर लगाया गया था, मगर उस बैनर को किसी ने फाड़ दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी की टंकी से दीवार से सट कर ही ये बैनर लगाया गया था, मगर ये बैनर किसी ने फाड़ दिया है। एक तरफ जहां चुनाव धीरे धीरे अब सर पे आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हाथों से बैनर फाड़े जा रहे हैं। हालांकि इस बैनर फाड़ने की घटना के बाद हमने मोरेश्वर किने जो नगर सेवक है उनसे फोन पर इस संबंध में बातचीत की, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। हेलो मुरेश भाई, आपका बैनर मुंब्रा बाईपास पानी की टंकी जहाँ है वहाँ लगाया गया था और बैनर वो फाड़ा गया है, क्या पूरा मामला है, किसने फाड़ा, किस वजह से फाड़ा, कुछ जानकारी है? देखो, आव्हाड साहब के नेतृत्व में जो मुंब्रा गाँव देवी की साखी बनी बाहुबली जैन मंदिर की, अभी उसमें मेरा मतलब अच्छा रोल है। मैं साहब के साथ कंटिन्यू ये करके उसको फॉलोअप किया और वो ताकि माशाल्लाह अभी चालू हो गई, तो उस हिसाब से बैनर लगाया था साहब का जाहिर आभार करके। तो अभी किसी ने फाड़ा क्या फाड़ा मुझे तो नहीं पता। अभी किसी को मेरा काम के वजह से पेट में दर्द होता होगा तो मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। तो आप कुछ इस पे मतलब कानूनी कार्रवाई वगैरह करेंगे या फिर? नहीं नहीं, जाने दो ना, मैं ऐसा क्या नहीं, जिसने फाड़ा होगा उसको समझेगा। आज नहीं कल, आज न कल आएगा ही ना सामने, कोई बात छिपती नहीं ना। किसी पे शक वगैरह है आपको, ऐसा किसने फाड़ा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ शक भी नहीं। अभी कौन विरोधक है मेरे, उनको लगा होगा फाड़ दिया होगा, मैं तो किसी का नाम लेके नहीं बोलता।